भारतीय सभ्यता में निरंतरता और परिवर्तन साथ साथ चल रहे हैं। इस विशेषता के साथ एक दूसरी विशेषता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमने ज्ञान को सर्वोपरि माना। ध्यान का बहुत शोर रहता है, लेकिन ध्यान को भी हमने द्वितीय श्रेणी का माना, क्योंकि ध्यान का प्रभाव भी अस्थाई होता है। स्थाई प्रभाव उस ज्ञान का है जिसे हमने अपरोक्ष अनुभूति शब्द से कहा, साक्षात्कार शब्द से कहा, टू नो बाय आइडेंटिटी श्री अरविंद ने कहा, पदार्थ को उसके साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करके जानना है। हम पदार्थ के चारों तरफ घूमते रहेंगे, ये भौतिक विज्ञान का तरीका है, उसके चारों ओर के परिवेश को जानेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, लेकिन उन विशेषताओं के बीच जो ओतप्रोत विशेष क्या है उसको नहीं जान पाएंगे, जो उन विशेषताओं से विशेषित है उसे नहीं जान पाएंगे। उसे हम तभी जान पाएंगे जब अपना तादात्म्य संबंध उसके साथ स्थापित कर लें। तो ज्ञान का ये इतना ऊंचा उद्देश्य है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। विज्ञान परिवर्तन कर देता है, जिसे भौतिक विज्ञान आज हम कह रहे हैं, परिस्थिति में परिवर्तन कर देता है, व्यक्ति को नहीं बदलता है। ज्ञान का काम परिस्थिति में परिवर्तन तो करना है ही, व्यक्ति का रूपांतरण भी है। ऐसे समझे, मान लीजिए कोई अर्थशास्त्री है और वो ये सोचे कि मुझे परिवर्तन करना है, तो वो ये करेगा कि गरीबी को दूर कर देगा और आदमी अमीर हो जाएगा, लेकिन ये भी परिवर्तन ही हुआ, रूपांतरण नहीं हुआ। इस अर्थ में कि अगर एक गरीब आदमी अमीर हो जाता है तो क्या जरूरी है कि उसका लोभ भी समाप्त हो जाए? ऐसा देखने में नहीं आता। तो अमीर का गरीब हो जाना, गरीब का अमीर हो जाना, ये परिवर्तन तो है पर रूपांतरण नहीं है। रूपांतरण है व्यक्ति के बीच जो लोभ की वृत्ति है उस लोभ की वृत्ति का समाप्त हो जाना, ये रूपांतरण है, ये आंतरिक घटना है, ये ज्ञान का प्रयोजन है, ज्ञान का परम प्रयोजन है। परिस्थिति में परिवर्तन हो, परिस्थिति अनुकूल हो, वो परिस्थिति साधन बननी चाहिए इस रूपांतरण का। ये विज्ञान और ज्ञान का आपसी संबंध है। विज्ञान साधन बनेगा, परिस्थिति को हमारे अनुकूल बनाएगा, उसका स्वागत है, लेकिन अगर वो उस साधन को ही साध्य मान ले और व्यक्ति अंदर से न बदले तो व्यक्ति के हाथ कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि जो कुछ व्यक्ति की संपदा है वो तो उसके अंदर ही है, बाहर नहीं है। जो उसका असली खजाना है वो उसके अंदर है, और उसको ढूंढने का काम, उसे जानने का काम कहना चाहिए, वो हमारी शिक्षा पद्धति है भारत की। हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये श्रवण है, उस पर मनन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, ये दूसरा चरण है, उसको अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएंगे, ये तीसरा चरण है, निधिध्यासन है। लेकिन इतने से भी वह ज्ञान हमारा रूपांतरण तब तक नहीं कर देगा जब तक वह ज्ञान इतना व्यापक न हो जाए कि वह जगत के कण कण में हमारे अपने स्वरूप को दिखा सके, सारे संसार के साथ, सारे अस्तित्व के साथ मेरा ऐसा तादात्म्य हो जाए कि कोई दूसरा रहे ही नहीं। इसे हमने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही टोटलिटी हूं, मैं ही समग्र हूं, मैं ही पूर्ण अस्तित्व हूं, पूर्ण अस्तित्व ही मैं हूं। ऐसा व्यष्टि का समष्टि में विलीन हो जाना, ये भारतीय चिंतन का लक्ष्य प्रारंभ से बना रहा और आज भी बना हुआ है।